सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में। बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा स्मार्टफोन को। क्या कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है इंडिया के अंदर, कब तक हम लोगों को देखने को मिलेगा, प्राइसिंग कितना होने वाला है इस फ़ोन का, हर एक चीज़ डिटेल में अब लोगों को इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले और हर रोज़ मिल पाए। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना। आपकी एक लाइक से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ बनाने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बातें कर लेते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक इंस्पायर लगता है आईफोन जैसा ही हम लोगों को बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर। फुल्ली ग्लास बॉडी होने वाला है, पीछे हम लोगों को ट्रिपल लेयर कैमरा, स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर हम लोगों को कैमरा हाउसिंग LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिल जाता है। ओप्पो ब्रांडिंग भी आप लोगों को जो है नीचे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फ्रंट साइड में हम लोगों को जो है एक पंच होल कटआउट के साथ सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर डिस्प्ले के बारे में बातें करेंगे ना, तो दोस्तों ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर ना हम लोगों को एक सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 6.57 इंच फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है। एंड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हम लोगों को 180 का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 90 के जगह 120 हर्ट्ज देना चाहिए था, क्योंकि इस फोन का जो प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग काफ़ी हाई जाने वाला है इंडिया के अंदर। चलिए अभी बातें कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में, चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा MediaTek Dimensity 1200 सीरीज मैक्स। दोस्तों यहाँ पे इसी सेम चिपसेट के साथ ना हम लोगों को Vivo V23 Pro भी देखने को मिल जाता है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। एंड इन दोनों फोन्स का जो स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग होगा ना, एकदम सिमिलर टाइप का ही हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को Oppo Reno 7 Pro के साथ Vivo V23 Pro इन दोनों फोन्स का अगर कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो भी बना के डाल दूंगा। सो दोस्तों चलिए अभी बातें कर लेते हैं इस फोन की कैमरा के बारे में। तो दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा के साथ हम लोगों को 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 के साथ देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर तीन कैमरा। यहाँ पे एडिशनल जो है ना 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर बैटरी के बारे में बातें करेंगे, तो 4500 mAh बैटरी के साथ हम लोगों को 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड्रॉयड 11 या तो फिर हो सकता है कि 12 के साथ ही हम लोगों को देखने को मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को जो है ओप्पो रेनो 7 प्रो के अंदर हर टाइप का नेसेसरी सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ओप्पो रेनो 7 प्रो बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च होते हुए इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। आई थिंक मुझे ज़्यादा तक लगता है जनवरी लास्ट वीक तक हम लोगों को ओप्पो रेनो 7 प्रो की लॉन्चिंग इंडिया के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इस फोन की अगर प्राइस के बारे में बातें करेंगे ना, तो ओप्पो रेनो 7 प्रो हम लोगों को दो वेरियंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 8 256 GB एंड 12 256 GB। 8 256 GB का जो प्राइसिंग है ना, यहाँ पे तकरीबन आप मान के चलो 43,000 से लेकर 44,000 के आसपास में प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के अंदर। एंड इसी के साथ साथ जो 12 256 GB है ना, इसका प्राइसिंग 48,000 तक जा सकता है। तो काफ़ी हाई प्राइस के साथ ओप्पो अपना रेनो 7 सीरीज को लॉन्च करेगा। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।